इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं गुरुवार के भारद्वाजी, जो हमें बता रहे हैं कि किस प्रकार बनाई जाए जन्माष्टमी। चलिए शुभारंभ करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम का, आशीर्वाद लेंगे गुरु जी का। गुरु जी एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु जी विशेष बातें आपसे जानेंगे, दही हांडी का क्या अभिप्राय होता है, किस तरह से जुड़ी हैं ये तमाम चीज़ें, भगवान श्री कृष्ण से आप हमें बताएं। देखिए दही हांडी 15/8/2017 को है, मैंने बताया था कि 14/8/2017 को रात को 7:45 से ये समाप्त होगी 15/8/2017 को 5:39 पर। इस दिन लोग खूब व्रत करते हैं, आज के दिन एक दिन पूर्व लोग भोजन करते हैं और उस दिन स्नान से निवृत्त होकर पूरा दिन व्रत रखते हैं और कब तक, अगले दिन रोहिणी नक्षत्र तक, और फिर अष्टमी तिथि के समाप्त होने बाद व्रत का पारण बनाया जाता है। व्रत का पारण का मतलब है व्रत को खत्म कर दिया मान लिया जाता है और फिर जो भोग होता है वो खाया जाता है। दूसरा, नक्षत्र अथवा मात्र अष्टमी की तिथि का व्रत का पालन करना, संकल्प प्रातः ले लेना, संकल्प के बाद ही व्रत का त्यौहार शुरू हो जाता है। अब आपने पूछा दही हांडी, देखिए दही हांडी का मतलब है भगवान की लीला का प्रतीक। भगवान की लीला का प्रतीक का मतलब है भगवान, गोपियाँ, पहले तो आपको मैं थोड़ा सा गोपी का अर्थ बताता हूँ और गोप का अर्थ बताता हूँ। गोपी का मतलब होता है और गोप का मतलब होता है, दोनों को गो से क्यों लगाया गया, गोपी गोप। गोपने का अर्थ होता छुपा लेना और गोपी का मतलब जो छुपा लेती है, किसको छुपा लेती है, उस भगवान को, यानी कि भगवान रूपी तत्व को जिसकी वो आराधना में लगी है उसको अपने अंदर छुपा लेना, ये तभी गोपी बनता और तभी गोप बनता है। ये प्रदर्शन की चीज नहीं है। एक चीज आज के समय में मुझे कहते हुए कोई हिच नहीं होती है कि लोग अपने धर्म का प्रदर्शन करते हैं, वहां प्रदर्शन नहीं होता, जो असली संता वो उसको भगवान को गोप लेते हैं, अंदर उसको छुपा लेते हैं, जिसमें भाव जुड़े होते हैं कहीं ना कहीं, भाव ही है प्रमुख। जैसे आप एक बात बताइए, आपका अपना बेटा है, आप अपने बेटे से प्रेम करती हैं, अपनी माँ से प्रेम करती हैं, अपने परिवार से, पति से प्रेम करती हैं, क्या उसका प्रदर्शन करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं करते। बेटे से कितना प्यार माँ को है इसका प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, ये छुपाया जाता है, ये हृदय में रखा जाता है। कहते हैं खाना और भजन और पत्नी, ये तीनों चीजें पर्दे में होनी चाहिए, खुले में नहीं होती है। क्यों? अगर खुले में भजन कर रहे हो, खुले के अंदर आप पाठ कर रहे हो, बहुत सारी मालाएं जो की जाती हैं वो गोमुखी में की जाती है या कपड़े की थैली में की जाती है, ताकि सामने वाले को ये ना पता लगे ये कितनी मंत्रों की माला है, कितनी देर के बाद एक मन का घेरता है, क्या उल्टा चला रहा है, सीधा चला रहा है। और उसको सबसे बड़ी बात है कि जो पार्श्विक शक्तियां होती हैं अगर माला खुली फेरो उसकी शक्ति को ले लेती है, इसलिए इसके ऊपर गोप देते हैं, इसके ऊपर पर्दा लगा देते हैं। समझ आ गए? तो दही हांडी वो गोप और गोपियां जो थी भगवान कृष्ण से बचाने के लिए अपने दही को वो ऊंचा टांग देती, वो बचाती नहीं थी, वो तो एक माया देख रही थी, उनकी लीला देख रही थी। जैसे हम अपने बच्चे को पता हमारा बच्चा शरारती है, कई बार हम अपनी चीजें ऐसी रखते हैं फिर देखते हैं कि वो कहां पर और कैसे उठाएगा, तो वो उसकी लीलाएं देखना चाहती थी, इसलिए वो मटके को ऊपर रख देती थी और वो छुप के देखती थी। भगवान आए, एक घोड़ा बनाया, उसके ऊपर चढ़े और मटके को तोड़ा, कुछ खाया, कुछ बिखेरा और चले गए। उसी लीला को प्रदर्शित करने के लिए आज कुछ इलाकों में दही हांडी का प्रचलन हो गया है। जी, थोड़ा सा व्रत के विषय में भी आप हमें जरूर बताएं कि किस प्रकार के नियमों को लागू करके व्यक्ति अपने व्रत को, मतलब परमात्मा को हासिल करके खुशहाली प्राप्त कर सकता है। देखिए व्रत नाम बरताने का, व्रत नाम बरताने का अर्थ होता है कि वैसे व्रत का मतलब होता है कि जो जिस दिन आप रहे उस दिन आप अपने हिस्से का अन्न,
उससे तीन गुना करके या चार गुना करके या दो गुना करके या उतना ही किसी अन्य व्यक्ति को दे दें। ठीक, मगर यहां व्रत का अर्थ है कि अब एक चीज जाने, जो गायक हैं, जो पूजा करने वाले लोग हैं, मंत्रों का उच्चारण करने वाले, स्वर व्यंजनों का उच्चारण करने वाले लोग हैं, सुर लय ताल को समझने वाले लोग हैं, वो जब भी कोई राग गाना है या कोई गाना गाना है तब वो भूखे रहकर उस राग को गाते हैं, गले में आराम रहता है। ठीक उसी तरह जो भक्ति परम पूजन करने वाले लोग हैं वो निराहार रहकर भक्ति करें, पूजा करें, तो नींद नहीं आएगी, सुस्ती नहीं आएगी, जोश बना रहेगा। थोड़ा सा नियमित फलाहार लें तो जितने साधु हैं, जितने बड़े बड़े तपस्वी हैं, वो इस तरह नियम से व्रत का पालन करते हैं। ठीक इसी तरह एक दिन पहले मैंने आपको बताया ये लोग व्रती हो जाते हैं, व्रत होने के बाद ये पूजा पाठ करते हैं, सारा दिन भगवान का ध्यान करते हैं। उसका दूसरा अर्थ है कि माँ यशो उनको देवकी जी को परेशानी हो रही है, भगवान कृष्ण होने वाले हैं, तो अब उनको वो ध्यान कर रहे हैं। जैसे बच्चा होने से पहले घर की औरतें बच्चे सब बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, हे भगवान सब ठीक ठीक हो जाए, उसी तरह से ये कर रहे हैं। और जैसे ही जन्म का समय घोषित होता है कि लो 12 बज गए, उसके बाद वो बच्चा पैदा हो गया। आप देखेंगे मथुरा जन्म भूमि पे जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, उनकी लघु मूर्ति को रख के दूध दही घी शहद बूरा पंचामृत गंगा जल और न मालूम कित नारियल का पानी, कितने नदियों के तीर्थों के जलों से उनका स्नान कराते हैं। और वहां दूसरे शब्दों, जैसे ही बालक का जन्म होता है तो उसको चुप करा के जो दाई या नर्स होती है उसको स्नान करा दिए, साफ कर देती। भगवान को हमने स्नान कराया, कराने के बाद भगवान को इत्र लगाया, इत्र लगाने के बाद भगवान को तिलक दिया, तिलक देने के बाद उनको वस्त्र दिए, वस्त्र देने के बाद उनको आभूषण दिए, उनको मुकुट दिया और उनको पूरा श्रृंगार करके सजा दिया, और सजाने के बाद उनको झूले पे बिठाया, पालने पे बिठाया। जब भी देखिएगा कि भगवान हमेशा पालने पर दर्शन देते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा हमेशा पालने पर बैठता है, बिठाने के बाद फिर वो लोगों के लिए भगवान के दर्शन दिलाते हैं कि लीजिए करो प्रभु के दर्शन। अब लोग भूखे हैं, मैंने आपको बताया कि भगवान पर क्या क्या चढ़ाते हैं, और अब लोग अन्न के बगैर, जैसे आप समझ लें साबूदाना बना लेते हैं, धनिये का कसार बना लेते हैं, फल रख लेते हैं, उसके चावल होते हैं सवा के चावल बनाते हैं, आलू के व्यंजन बना लेते हैं, मगर मीठा खाना बनाते हैं। बनाने के बाद उसको सजाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, मगर एक चीज जरूरी होती है कि इसमें चीनी और मिश्री का भोग जरूर लगाया जाता है। चीनी और मिश्री एक तरह से ये टॉनिक है, पहलवानों को या बड़े जो भी हैं उनको चीनी और मिश्री, अब तो चीनी हो गई, मिश्री और मक्खन, सॉरी मक्खन और मिश्री का भोग देना आदमी के शरीर को सुदृढ़ करता है, उसकी लड़ने की ताकत को बनाता है, जिसे हम स्टैमिना बोल देते हैं। तो माखन मिश्री से वो स्टैमिना एक आदमी के अंदर आता है। ठीक वही माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, सबको बांट देते हैं, जो उनका जल है वो प्रसाद स्वरूप अपने घरों पे ले जाते हैं, और स्वयं फिर जब अगले दिन वो अष्टमी खत्म हो गई या रोहिणी नक्षत्र खत्म हो गया तो पारण मना लेते हैं। आपको एक और चीज हैरानी की बताता हूं, हिंदू धर्म के अंदर जो किंतु परंतु है इसका प्रश्नों का उत्तर धर्म सिंधु से मिलता है। धर्म सिंधु क्या कहता है कि अष्टमी और रोहिणी खत्म हो जाए तब आप पारण करिए, बाजे बाजे दिन दो दो दिन तक रोहिणी दो दिन के बाद खत्म होगी तो लोग दो दो दिन व्रत रखते हैं, इतना बड़ा संकल्प होता है। ठीक और उसके बाद फिर भगवान ढोलक बजाते हैं, छेने बजाते हैं, मंजीरे बजाते हैं, खूब आनंद करते हैं। अब एक चीज आती है इसके अंदर,
भगवान के माथे पर मोर का मुकुट क्यों लगाते हैं? भगवान को सबसे प्रिय जो वस्तु है, वृंदावन चले जाओ, वृंदावन पे राधा रानी के महल पे चले जाओ, बरसाना में, बरसाना में राधा रानी के महल से सामने मोर कुटी है, जहां पर भगवान को मोरों से प्रेम करते हुए दिखाया गया है, और वही रीजन है कि भगवान को मोर का पंख सबसे प्रिय है, और तब मोर का पंख उनके मुकुट पे लगाया जाता है, और यानी कि उनको पूरा श्रृंगार कर तब भगवान को सजाकर फिर भगवान को प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण जन्म के साथ साथ थोड़ा सा दूसरी तरफ भी जाएंगे, और वो है कंस से क्या संबंध अभिप्राय हुआ, गुरुजी ये भी आप हमें विस्तार पूर्वक बताएं। देखिए, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं। पहले तो ये देखो कि हम इतना सब कुछ कर रहे हैं, ये स्कंद पुराण का मेरे पास लेख है। स्कंद पुराण कहता है कि जो व्यक्ति जन्माष्टमी व्रत को करता है उसके पास लक्ष्मी का वास होता है। क्यों? ये स्वयं कौन है? लक्ष्मी पति। राधा कौन है? महालक्ष्मी, महाशक्ति का नाम जो है, आदि शक्ति जो है वो राधा है। राधा से महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली का जन्म होता है। उसके बाद ये इसको राधा को हम बाला त्रिपुर सुंदरी के नाम से पहचानते हैं, और उससे फिर ये तीनों शक्तियां और शिव, विष्णु और ये ब्रह्मा के जन्म होते हैं। सृष्टि का पालन, संचार और हनन होता है। तो आदि शक्ति जो बाला त्रिपुर सुंदरी है वो श्री राधा, श्री जू सरकार या राधा रानी कहते हैं। भगवान कृष्ण भी उन्हीं की स्तुति करते हैं। एक चीज तो वो कहते हैं कि उसके पास लक्ष्मी का वास होगा। विष्णु पुराण क्या कहता है कि आधी रात के समय रोहिणी में जब कृष्ण अष्टमी हो, कृष्ण जी का अर्चन करो, पूजन करो, तब जन्मों जन्मों के पापों का क्षय होगा। जब तक हमारे पापों का संचय है, हमारे पाप हमारे पास है, तब तक उन पापों का निर्वहन करने के लिए, पालन करने के लिए, उनको भोगने के लिए बार बार इस धरती पर, बार बार इस धरती पर हम पैदा होते रहेंगे। तो विष्णु पुराण कहता है कि जो इनका पूजन करेगा उसके जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। फिर देखिए भृगु संहिता क्या कहता है कि जन्माष्टमी, रोहिणी और शिवरात्रि ये पूर्व विद्या करनी चाहिए। इनकी तिथि से नक्षत्र के अंत में ही पारणा करो कि भाई शिवरात्रि का भी जो व्रत का भोजन करो वो भी पारणा करो। कब? जब वो तिथि, वो नक्षत्र खत्म हो जाए। और जन्माष्टमी का भी पारण कब करो? जब वो तिथि और नक्षत्र खत्म हो जाए। और कई नाम है वैसे इनके, कृष्णाष्टमी है, सातम अष्टम है, गोकुलाष्टमी है, अष्टमी रोहिणी है। कहते हैं कि वासुदेव ने जब इनको टोकरी में ले जाकर गए थे तो आपने देखा था कि जमुना भी उनके पांव को छूती है। तो यानी कि उस क्षण के अंदर जमुना का जल अति पवित्र होता है, उस समय जमुना के जल की भी पूजा की जाती है कि तू हे जमुना माई, तू बहुत धन्य है, तुमने भगवान के इस क्षण में, इस घड़ी में भगवान के चरणों को छुआ था, तो हम तेरी बारंबार वंदना करते हैं। तो साधक जमुना की भी पूजा करते हैं। एक चीज और मैं आपको बताता हूं, शायद आपको पता हो, कभी मथुरा चले जाएं, मथुरा के अंदर यमराज का मंदिर है जी। यमराज का मंदिर है, वहां पर भी ये जो भाई और बहन के मिलन का दिन होता है, उस दिन यमराज भी भगवान कृष्ण की नगरी में असमायिक मौत से छुटकारा दे देते हैं, अगर कोई भाई या बहन उधर आके संयुक्त स्नान कर ले। यानी कि भगवान की नगरी में यमराज भी अपना जो है वो भूल जाते हैं। अब आता है थोड़ा सा भगवान कृष्ण के बारे में। जैसा भी आपने पूछा, युद्ध होना तय हो गया, अब दुर्योधन पांडवों को कुछ देना नहीं चाहता, पांडव बेघर हो गए हैं। भगवान कृष्ण बार बार समझाते हैं, वो कहता पांच गांव तो दूर, मैं तक सुई के तिनके जितनी सुई जितनी जगह भी नहीं दूंगा। जब देख लेते हैं भगवान की, अब धर्म युद्ध हो गया, इसने
द्रौपदी की भी को भी लज्जाहीन करने की कोशिश की है। तो बस भगवान ने सोच लिया फाइनल है, अर्जुन लड़ना नहीं चाहता, भगवान उसको गीता का ज्ञान देते हैं, अर्जुन हो जाता है दुर्योधन और उसके 100 भाई मारे जाते। अब गंधारी को पता लगता कि तेरा बेटा मारा गया, गंधारी आती है आके, देखिए एक चीज और बड़ी छोटी सी, मैं एक सेकंड में बताता हूँ कि गंधारी को यह आशीर्वाद था कि तू अगर पट्टी बांध रखी थी, अगर तू पट्टी खोल के अपने बेटे के शरीर को देख लेगी तो तेरा बेटे का शरीर वज्र का हो जाएगा और उसको कोई नहीं मार सकेगा। मगर जैसे ही वो जाती है दुर्योधन यहां कपड़ा ढक लेता है, तो दुर्योधन का जो वध हुआ है वो जांग से हुआ है। अब सारा खत्म हो गया, वो कृष्ण को बद्दुआ देती है, जा 36वें दिन तू मर जाएगा, तेरा नाश हो जाएगा। भगवान कृष्ण जानी जानते, वो जानते थे कि मेरा जाने का समय आ गया, उन्होंने हाँ कर दी, स्वीकार किया और अब भगवान जो है लीला का काम खत्म हुआ और भगवान वहां से जाते हैं कहाँ, द्वारका। द्वारका में जाके अपने आप को एस्टेब्लिश कर लेते हैं, वहां शासन बना लेते हैं और शासन बहुत अच्छा चलता है, खुशहाली है, सब कुछ है। मगर लोग वहां पर जाकर थोड़े से विलासी हो गए। तब कृष्ण भगवान के अपना बेटा है प्रद्युम्न सांब, वो क्या किया, उन्होंने सब ग्वाले इकट्ठे हुए और एक पेट के ऊपर एक बर्तन होता बाटी बोलते हैं जिसे हम, इतना सा पीतल का बर्तन जिसमें छोंक करते थे, उसको पेट में बांध कर और वो चले जाते हैं। विश्वामित्र जी के पास गए, दुर्वासा जी के पास गए, नारद जी के पास गए, महाराज इस स्त्री के गर्भ होने वाला बताइए लड़का होगा लड़की। एक ऋषि समझ जाते हैं कि ड्रामा, कहते हैं इसमें से जो होगा वो तुम्हारे वंश का पूरा नाश करेगा। आगे उग्रसेन को बताया जाता, उग्रसेन जी कहते इसको घिस घिस के फेंक दो पानी में, खूब घिसा जाता और उसको नदी में फेंक दिया जाता, छोटा सा एक टुकड़ा बचता है उसको भी नदी में फेंक दिया जाता है। जो उसके वो घिसने से था उससे घास पैदा होती है और जो वो टुकड़ा बचा है वो लास्ट में एक बहेलिया का मतलब है शिकारी को मिलता है, उसको धनुष के तीर के आगे लगा लेता है। इधर क्या होता है कि उनके बेटे का, भगवान कृष्ण के बेटे का एक मित्र है जिसका नाम है सात्यकी, सात्यकी कृतवर्मा के पास बैठा है, सब लोग बैठे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा जाओ नदी के किनारे, प्रभास नदी के किनारे चले जाओ और अपने पापों का प्रायश्चित करो, तुम जो हो बिगड़ गए हो। सारे यादव प्रभास नदी के किनारे इकट्ठे हो जाते हैं मगर वहां उनकी बहस बहस होती है क्योंकि सात्यकी गया कृतवर्मा के पास, कृतवर्मा ने सात्यकी को उल्हाने देने शुरू कर दिए, तुमने अश्वत्थामा के वध की कोशिश की, तुमने पांडवों के सोए लोगों को मारने की कोशिश, ऐसे करके बहुत ताने होते हैं आपस में बहसम बहस। सात्य क्या क्या करता, कृतवर्मा को मारता है, सारे यादव उठा के सात्विकी को मार देते हैं। भगवान कृष्ण को पता लगता है, वो वहां पहुंच जाते हैं और सारी घास उखाड़ के अपने हाथ में पकड़ लेते हैं, कहते हैं जो घास थी वो लोहे की रॉडे बन जाती हैं और सारे यादव उन लॉडों को खींच लेते हैं और आपस में गुथ जाते हैं, सबके सब लड़ लड़ के मर जाते हैं। एक भगवान बचते हैं, कृष्ण बनते बचते हैं, एक बभ्रू बचते हैं और एक दारुक बचते हैं। अब समझिए बलराम युद्ध में नहीं आए, कुछ दिनों के बाद बभ्रू और बलराम भी मर जाते हैं, अब दारुक और भगवान कृष्ण बचते हैं। जब देखा राज्य खत्म हो गया तो भगवान दारुक को कहते हैं जाओ अर्जुन के पास, अब अर्जुन को बुला के लाओ। भगवान समझ गए कि अब ये लीला का समय खत्म हो गया। अर्जुन को यह मैसेज मिलता है, अर्जुन इंद्रप्रस्थ से अपने सेना के साथ वहां पहुंचता है भगवान के पास, मगर जब तक भगवान अपना शरीर त्याग देते हैं, कहते 119 साल के भगवान कृष्ण थे जब उन्होंने अपना शरीर त्यागा है, और कहते हैं कि उस समय दिव्य ज्योति में वो सम्मिलित हुए थे और उनका शरीर 16 साल के लड़के की तरह जवान था और स्फूर्ति थी। बस भगवान के जाने के बाद अर्जुन सबको लेकर, अच्छा देखिए वहां पर एकदम मलेच्छ लोग और डाकू लोग आक्रमण करते हैं द्वारका पर, भगवान अर्जुन बहुत कोशिश करते हैं मैं रोक लूं, अर्जुन सारे मंत्र भूल गए, सारी विद्याएं भूल गए क्योंकि उनके पालनकर्ता कृष्ण जा चुके हैं। बस अर्जुन वहां से सबको लेकर वापस आते हैं दुर्योधन के पास, सारी कहानी बताते हैं, बड़ा दुख होता है, सबको ढंग से बिठाकर फिर पांडव अपने स्वर्गारोहण के लिए यात्रा करते हैं और चल पड़ते हैं। इस तरह से पांडवों का अंत होता है। ये जन्म से और अंत तक की मैंने पूरी कहानी आपको